He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ. इफ़ यू वॉन्ट डू दिस यू कैन ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड देन यू टेल मी वट एवर आई एम आस्किंग फॉर इज जस्टिफाइड और नॉट. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना आई विल हेल्प यू बिकॉज वी आर एक्टर्स. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है. पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं. पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार. मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में. निशा ने पूरा सपोर्ट किया. मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब ईएमआईज का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, दैट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम. बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड इज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा विक्की माई ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तो कोई MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. ऑल हर फ्रेंड्स हैव ऑफर्ड हर मनी. यस, ऑल हैव कम ऑन हर सपोर्ट. क्योंकि पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा सैक्रिफाइस कर दिया. एंड सालों से हमें पता है ये कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली. इट्स नॉट फेयर गाइस, इट्स नॉट फेयर. एंड रोहित इज आल्सो विटनेस टू दिस. रोहित इज आल्सो विटनेस. इट्स नॉट फेयर. जो गलत है वो गलत है. No crime, yeah, with you. We all are there with you. See, and they all know what the reality is. I hope they do because they are. You know the reality. Rohit, आपने कभी निशा को नहीं बोला? It's okay. We respect your feelings and love her, but why don't you move on? Nisha and me are very very close. In fact, मैं निशा को I think 25 साल से जानता होऊंगा. थोड़ा सा mask. 25 ईयर से जानता हूँ. और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इंडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है. yes. एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है. यू नो सबके बीच में झगड़े होते हैं. करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है. आई यूज़ टू एड्रेस हिम एज फादर. मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए हैं. मैंने निशा की जर्नी देखी है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूं कि मेरी फ्रेंड का केस ख़राब हो जाए. पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे. कोई भी लड़की का सर ऐसे जो फटता है, यू नो, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो क्या वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी? कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो. जो बिजनेस इसने भी सेट जो सेट किया है इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ आई एम अ विटनेस टू दिस. निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली, आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडॉनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब. एग्जैक्टली, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. दैट इज़ द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले, दैट इज इट. एंड आई हैड आल्सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी. आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊंगी तभी भी करूंगी. नाउ दीस आर द स्मॉलर डिटेल्स. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या गलत बोला है? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूंगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस. अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ. दैट इज रोजी रोटी. दैट इज मतलब यहां मान लेगी, अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है क्या? कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वॉज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन. उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. इट्स शी हैज़ बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम.
ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके। जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर, यू नो, करण वॉज असिस्टिंग एट अ डिजाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया। इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना। मैं विटनेस हूँ निशा को, शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है। इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वॉज गोइंग, पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले, शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज़। आज लड़कियाँ इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं। निशा वॉज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर, यशराज वॉन्टेड टू साइन हर बट शी लेफ्ट हर करियर फॉर हिम, तो दैट शोज द प्योरिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ सिंपल एंड हाउ व्हाट अ हाउस मेकर शी इज। इसने हमेशा करण पापा से बोला कि, पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू सिट डाउन टुगेदर, वी आर द आइडियल कपल ऑफ द पीपल, लेट्स क्रिएट कॉन्टेंट्स, मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी। मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो, अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह वो निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस। इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम। क्योंकि वाइल्ड डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े यू नो अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे, ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल्ड डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स नॉट इन, क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है। शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती। आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। 2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया, उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, इसलिए मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन फोर बंगोज, बट आई थॉट यू नो इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के और कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी, हम सब ने ही। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है, दिस इज़ नॉट दैट। यू विल हैव टू कट शॉर्ट बिकॉज़ यू हैव टू गो फॉर योर स्टिचेस नाउ। या गाइस, सो आई हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर, शी हैज़ टू गेट हर स्टिचेस डन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या ओके, एंड do thank you all for coming. Thank you very much. Thank you guys. Thank you for your time.